अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें हम स्टेशनरी चार्जेस की प्रॉपर्टीज और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन है जो स्टार्ट में लिखी है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो चार्जेस के दरमियान होती है। ये सेम चार्जेस को रिपेल करती है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आपस में जोड़े रखती है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है और इसी फोर्स की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं और हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। तो इसलिए हमारी जो एग्जिस्टेंस है यानी हमारा जो वजूद है उसकी बुनियादी वजह इलेक्ट्रिक फोर्स है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और हमने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज है उसको नेगेटिव माना हुआ है और जो प्रोटॉन्स पर चार्ज है उसको पॉजिटिव माना हुआ है। चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की जो पैमाइश है ये सबसे पहले फ्रांस के एक मिलिट्री इंजीनियर ने की थी जिसका नाम था चार्लिस कूलम्ब और इसने ये पैमाइश 1784 में की थी। और उस पैमाइश की बुनियाद पर उसने एक लॉ बनाया जिसको हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं और उसकी स्टेटमेंट ये है कि चार्जेस के दरमियान फोर्स, पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी जितना चार्जेस ज़्यादा होंगे उतना फोर्स ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जितना चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्केयर के, स्केयर बिटवीन देम। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह होगी, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर। हम इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट के लिख देंगे यहाँ पे। इसमें ये जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड है जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स लग रही है उसकी, और ये फोर्स दोनों चार्जेस पर हमेशा इक्वल अमाउंट में लगती है इसलिए इसको म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होती है, मतलब ये लाइन है और ये लाइन है, चाहे रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, दोनों केसेस में ये इसके पैरेलल होती है। और इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि यहाँ जो बाकी क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स क्या हैं और चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा यूज हो रहा है। तो अगर मीडियम चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो यानी वैक्यूम हो और जो यूनिट्स हैं वो हम ऐसे यूनिट्स यूज़ करें फोर्स के, चार्ज के और डिस्टेंस के, तो जो के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमने फाइंड की हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो आपने याद रखनी है वो है 8.85 × 10⁻¹² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इस के की वैल्यू निकालना चाहें
तो हम इसमें एप्सिलॉन आर की ये कीमत, एप्सिलॉन नॉट की ये कीमत पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कोलम स्क्वेयर। और अगर हम के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 1/4 πε₀ Q1 Q2/r². तो ये फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है जो दो चार्जेस के दरमियान लगती है। जैसे पहले बताया गया है कि ये जो फोर्स है कोलम फोर्स, ये म्यूचुअल फोर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर उतनी ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे को के ऊपर बराबर फोर्स लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। फर्ज करें हम जो Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, उसको हम F21 से रिप्रेजेंट करें। इसी तरह अगर Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, उसको F12 से रिप्रेजेंट करें, तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि F12 इक्वल्स टू -F21। इसका मतलब ये है कि जो पहले चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है वो दूसरे चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स के इक्वल है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस फिगर में देखें, इस अगर फर्ज करें ये रिपेल कर रहे हैं, इस चार्ज पर इस तरफ फोर्स लग रही है और इस चार्ज पर इस तरफ, इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह अगर ये अट्रैक्ट भी कर रहे हों तो फिर भी यही होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी। इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम यहाँ यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फर्ज करें R21 एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है। फिगर में देखें, Q1 से Q2 की तरफ, यानी इस तरफ, ठीक है, ये वाला R21 है। इसी तरह जो डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है उसको हम R12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को जो हमने यहाँ लिखी हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, F21 इक्वल्स टू होगा 1/4 πε₀ Q1 Q2/r² इनटू R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरह F12 जो है वो होगा, उसके साथ आखिर में यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा। आप देखें कि इसमें सिर्फ यूनिट वेक्टर चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों की। और फिगर में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि R12 और R21 जो हैं ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए हम इनको R21 इक्वल्स टू R12 -R12 लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये फोर्सेस भी आपस में इक्वल और अपोजिट होंगी, इसके इनके साथ भी माइनस आ जाएगा। द साइन ऑफ चार्जेस, जो आपने इसमें चार्जेस लेने हैं उनसे पता चलेगा कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव। अगर सेम साइन है तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव होगी, और अगर अपोजिट साइंस हैं तो अट्रैक्टिव होगी। और अब हम पढ़ेंगे आखिर में इस फोर्स के ऊपर मीडियम का इफेक्ट। मीडियम का मतलब यह है कि चार्जेस जो यहाँ पड़े हुए हैं उनके आसपास हवा है, पानी है या कोई इंसुलेटर है उनके दरमियान, इसको मीडियम कहते हैं। अगर कोई इंसुलेटर रखा हुआ है तो उस इंसुलेटर को हम आमतौर पर डाईइलेक्ट्रिक कहते हैं। चार्जेस के दरमियान अगर कोई इंसुलेटर है, जैसे हवा है, पानी है, प्लास्टिक है, कागज है या कोई और चीज, जो भी इंसुलेटर होगा उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि चार्जेस के दरमियान फोर्स डाइलेक्ट्रिक रखने से कम हो जाती है बाय ए कांस्टेंट फैक्टर, एक खास रेशो से कम हो जाती है। तो इस रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं कि किसी इंसुलेटर के रखने से फोर्स किस रेशो से कम हो रही है। तो अब हम इसका फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे। कोलम फोर्स अगर मीडियम मौजूद हो, यानी साथ रिलेटिव परमिटिविटी यूज करेंगे, तो सारी इक्वेशन वही होगी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ हम एप्सिलॉन आर लिखेंगे। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी को जाहिर कर रहा है। इस साइड पे टेबल है, इस टेबल में आपको मुख्तलिफ मटेरियल्स के साथ एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू शो हो रही है।
तो जितनी इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा डिक्रीज होगी। टू का मतलब ये है कि ये फोर्स को दो गुना कम कर देती है। अब इसमें देखें, सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो वाटर की है, डिस्टिल्ड वाटर, यानी जिसमें कोई चीज़ मिक्स ना हो, प्योर वाटर 78। और इसमें सबसे कम जो है वो वैक्यूम की है 1, इसी तरह एयर की यानी एटमॉस्फेयर की 1.0006। तो सबसे कम जो है वो वैक्यूम की या एयर की है। अगर चार्जेस के दरमियान एयर है तो हम यहाँ एप्सिलॉन आर की जगह 1 लिख देते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये वही इक्वेशन बन जाती है जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने ड्राइव की थी। इसलिए हम वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर नहीं लिखते बार बार, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर वैक्यूम या फ्री स्पेस के अलावा कोई मटेरियल होगा तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू उसी लिहाज से पुट कर देंगे। और आखिर में इसकी यूनिट्स हैं, तो आपने याद रखना है इसकी कोई यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये दो फोर्सेस की रेशो है। और जितना एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो जाती है, उतनी ही गुना कम हो जाती है, ये इसमें याद रखना है आपने। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।